स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। हम माँ के साथ कुछ ऐसा करेंगे जो डायन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और मुझे पूरा यकीन है वो इस टेस्ट को रोकने की पूरी कोशिश करेगी। तारा कहाँ है ये सिर्फ पन्ना बता सकती थी। And thanks to your चुड़ैल वाइफ, अब वो भी हाथ से निकल गई है। बे तुम तो हमारी मिसेस के पीछे ऐसे पड़ गई जैसे डॉगी कार के पीछे, अपोजिशन सरकार के पीछे और पराठा अचार के पीछे पड़ जाता है, हैं? अरे हमारी मिसेस थोड़ी ना जानबूझ करके आके वो घोड़ी को यहाँ से भगाई है यार। ये हम लोग पाउडर यहाँ जो छिड़के हैं इस पे वो उसका का घोड़ी का निशान दिख रहा है इस पे। देखा तुमने, पैरों के निशान तक नहीं, अब ढूंढेंगे कैसे उसे? नाइस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। हमको क्या देख रही हो? हमारे भी दिमाग में यही चल रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। राइट, गड़बड़ है, और वो गड़बड़ हो तुम जाओ यहाँ से। अबे मतलब जो तुम्हारे मुंह में आ जाएगा तुम बोल दोगी, तुमको पता है हम कौन हैं? अबे हम हैं नमन द कंचा रीवा वंशी। रीवा वंशी माय फुट, तुम ना रीवा वंशी के असिस्टेंट बनने के लायक भी नहीं हो। अब पता चल गया तुम्हारी असलियत, अभी निकलो यहाँ से। जस्ट गेट लॉस्ट। क्या उसने ऐसे कहा आपसे कि आप रीवा वंशी के असिस्टेंट बनने के भी लायक नहीं है? मैं उसे अभी बताती हूँ। अरे अरे सुनिए 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 सुनिए, अरे हमारी अम्मा, अरे आप अपने इतने खूबसूरत नाक पे इतना गुस्सा कहाँ है लेके चलती हैं? तो भाई आराम से बात करते हैं ना, शांति से। बाहर में गई शांति, उसने आपको काम से निकाल दिया, वो भी बिना किसी गलती के, वो भी इंसल्ट करके। नहीं नहीं, आप कह रहे कि शांति बनाए रखे। एक्चुअली वो हमारी गलती की वजह से हमको नौकरी से नहीं निकाली। तो कहा है कि उसको लगता है कि पन्ना को ना हम नहीं, मतलब बल्कि ये कि उसको लगता है कि पन्ना को तुमने जबरदस्ती वहां से भगाया है, और हमसे ये गलती हो गई है कि हमने वहां तुम्हारी तरफदारी कर दी। पर ये तो सच नहीं है, पन्ना आंटी को थोड़ी मैंने भगाया। अरे ये तो हमको भी पता है, लेकिन उस सक्की रीवावंशी को कौन समझाए? मैं समझाऊंगी। कैसे समझाओगी? अगर मैंने ये साबित कर दिया कि पन्ना आंटी को मैंने नहीं भगाया, तो वो तुम्हारी नौकरी तुम्हें वापस दे देगी? हाँ दे तो देगी, लेकिन आप साबित कैसे करेंगे? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। निशान जी, आखिर ये टेस्ट है क्या, और इसमें करना क्या होगा? जब दो लोग डायन रक्त बंधन में बंधे होते हैं तो उनके बीच में ऐसा कनेक्शन होता है जिसका असर दो तरफा होता है, मतलब जो एक के साथ होता है उसका असर दूसरे पर तो होता ही है। और गुड़िया का मानना है कि इसी कनेक्शन का फायदा उठाकर मोहना वेदश्री जी को कंट्रोल कर रही है। लेकिन निशान जी, जो बात आप बता रहे हैं ये तो हमें पहले से पता है। हाँ निशान जी, आप हमें एक्सपेरिमेंट के बारे में बताइए ना, और उसके लिए कौन से औजार लगेंगे वो बताइए। चिताली, एक्सपेरिमेंट नहीं, टेस्ट। हाँ हाँ वही वही टेस्ट। निशान जी, ये जो आप टेस्ट लेने वाले हैं, ये रिटन होने वाला है कि ओरल? और अगर ओरल होने वाला है तो सवालों के जवाब खुद देने होंगे कि आप चार ऑप्शन देंगे? ये क्या पूछ रहे हो तुम? क्या पूछ रही हो मतलब? टेस्ट लेने वाले हैं, इम्पोर्टेंट है, पूछना तो पड़ेगा ना। बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? हम माँ के साथ कुछ ऐसा करेंगे जो डायन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और मुझे पूरा यकीन है वो इस टेस्ट को रोकने की पूरी कोशिश करेगी। वो माँ को मजबूर करेगी कि वो ये टेस्ट ना करे, और ऐसे हमें पता चल जाएगा कि मोहना माँ को कंट्रोल कर रही है। लेकिन करना क्या है? डायन को उसकी चोटी बहुत प्यारी होती है, क्योंकि उसकी सारी शक्तियां उस चोटी में बसी होती है।
अगर हम माँ के बाल काटेंगे तो मोहना ऐसा कभी नहीं होने देगी, और इससे साबित हो जाएगा कि दोनों के बीच डायन रक्त बंधन अब भी कायम है। ऐसे तो ये दैविक मेरा सारा खेल बिगाड़ देगी। नहीं नहीं, मैं इसे इसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। हे भगवान, इसका मतलब तुम इसके लिए भाभी के बाल काट दोगी? इसका मतलब वेदश्री भाभी शैम्पू एड की मॉडल से सीधा फायर की शबाना आजमी बन जाएंगी? महिला लंबे बाल से सीधा शाकाल? ये क्या बचपना है पिया, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें कुछ पता भी है? मैं अपनी वैद्यश्री के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। जो मैंने बोला है वो बोलो छुटकी। नहीं शेखर जी, पिया की तसल्ली के लिए ये परीक्षा भी देने के लिए तैयार हूं। वैद्यश्री, ये मां के लिए यही सही होगा, वरना रक्त बंधन के बारे में पता नहीं चल पाएगा। एक बार फिर से सोच लो, वेदश्री भाभी ने आज तक जिंदगी में सिर्फ दो ही चीजों से सबसे ज्यादा प्यार किया है, उनके बाल और उनके बच्चे। ऐसा मत करो पिया, अगर अब उनके बच्चे ही उनके बाल काट देंगे तो ऐसे बाल बच्चों के प्यार का क्या फायदा, क्या सिला मिला उन्हें? अब भी मोहना के झांसे में है। अंश, मैं जानती हूं हम मां के साथ गलत करेंगे, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें यह पता लगाना होगा कि मां और मोहना के बीच कनेक्शन है या नहीं, वरना पता नहीं मोहना मां से क्या क्या करवाती रहेगी। पूरे परिवार के साथ साथ मां की अपनी जिंदगी भी खतरे में है अंश। मैं जानता हूं तुम्हारा इरादा गलत नहीं है, लेकिन तरीका गलत है। हम माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकते, and I know, तुम खुद भी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहती और ना ही कर सकती हो। तो हम क्या करें? तुम यही जानना चाहती हो ना कि माँ और मोहना के बीच डायन रक्त बंधन है या नहीं। मैं कोई तरीका ढूंढ कर लाऊंगा, लेकिन ये तरीका नहीं पिया। लेकिन अंश, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, और अगर तुम्हारी एब्सेंस में कुछ हो गया तो? वैसे भी मोहना ने मुझे एक हफ्ते का चैलेंज दिया था, और आज सातवां दिन है। मेरा दिल कहता है अंश, आज मोहना अपना आखिरी बार करने वाली है। इसलिए मैं जा रहा हूँ पिया। पिया, तुम दैविक हो,
तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है क्योंकि तुम ही हो जो सबको प्रोटेक्ट कर सकती है। बस वादा करो कि तुम जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाओगी और जब तक मैं वापस नहीं आता तुम सबको प्रोटेक्ट करोगी। प्रॉमिस। प्रॉमिस। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।